नमस्कार, आप सभी का वीरी टीवी भारत में स्वागत है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जब से जान से मारने की धमकी मिली है, फैंस उनकी सेफ्टी को लेकर परेशान हैं। धमकी भरा लेटर मिलने के बाद सलमान की सिक्योरिटी टाइट रखी गई है। मुंबई पुलिस ने एक्टर को हथियार रखने का लाइसेंस भी जारी किया है। खबरें हैं कि दबंग खान ने नई बुलेट प्रूफ गाड़ी भी खरीदी है। सोमवार रात सलमान खान को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। एयरपोर्ट पर सलमान ने टोयोटा लैंड क्रूजर में स्वैग से एंट्री मारी। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। सलमान खान की लैंड क्रूजर में 4,461 सीसी का इंजन लगा है जिसकी पावर 262 bhp है। ये SUV सिर्फ एक ही वेरिएंट में उपलब्ध है जो कि पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। इसकी खिड़की के किनारों पर एक मोटा बॉर्डर भी है जिसके बाद ये कार पूरी तरह से आर्म्ड और बुलेट प्रूफ हो चुकी है। एयरपोर्ट पर सलमान की सिक्योरिटी काफी टाइट नजर आई। सलमान खान को मिली जानलेवा धमकी ने बॉलीवुड गलियारों में हलचल मचा दी है। गैंगस्टर की धमकी के बाद सलमान खान ने गन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और 22 जुलाई को सलमान खान इस संदर्भ में मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक से भी मिले थे, जिसके बाद एक्टर को हथियार का लाइसेंस जारी किया गया था। ताज़ा अपडेट के लिए आप VDTV भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।